नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसे भुला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। फिर चाहे कोई बड़ा और अद्भुत रिकॉर्ड हो या कोई ऐसी घटना जिसे याद करने से भी हर किसी का रूह कांप जाए। ऐसी ही एक घटना हुई थी आज ही के दिन साल 2009 में। जी हाँ, 3 मार्च को क्रिकेट इतिहास का काला दिन भी कहा जाता है। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। दरअसल साल 2009 में जब श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, तब टीम को एक आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद न सिर्फ श्रीलंका बल्कि पूरा क्रिकेट जगत सदमे में था और इसी के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पर विराम लग गया था। साल 2009 की शुरुआत में श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। इसी दौरान फरवरी के आखिरी और मार्च के पहले सप्ताह में दोनों टीमों को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी थी। सीरीज का पहला मैच 22 फरवरी से 25 फरवरी तक खेला गया, जो ड्रॉ रहा। वहीं दूसरा मैच 1 मार्च से 5 मार्च के बीच खेला जाना था। दूसरा टेस्ट लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 1 मार्च से 5 मार्च तक खेला जाना था। मैच के 2 दिन का खेल सकुशल समाप्त हुआ था और मैच के तीसरे दिन यानी 3 मार्च 2009 को सोमवार के दिन सुबह के करीब 8:15 बजे श्रीलंकाई टीम एक बस में सवार होकर होटल से स्टेडियम के लिए निकली थी, जहां दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होना था। टीम बस अपनी रफ्तार में चल रही थी और इसी बीच पाकिस्तान के समय अनुसार करीब 8:30 बजे कुछ अनहोनी सी हुई। देखते ही देखते श्रीलंकाई टीम बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। हालांकि श्रीलंकाई टीम बस के साथ पाकिस्तान की ओर से मुहैया कराए गए सुरक्षाकर्मी भी थे जो काफिले के साथ थे, लेकिन 12 आतंकवादियों ने श्रीलंकाई टीम को खत्म करने के इरादे से बस पर गोलियों की बौछार कर दी। सिर्फ गोलियां ही नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से भी टीम बस पर हमला किया गया। हमलावरों ने श्रीलंकाई टीम बस पर रॉकेट लॉन्चर भी दागे, लेकिन ये निशाना चूक गया और निशाना सटीक होता तो फिर खिलाड़ियों का बचना नामुमकिन था। यह हमला इतना खतरनाक था कि कुछ समय के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ी भी समझ नहीं सके कि आखिर हुआ क्या। श्रीलंकाई सरकार ने पाकिस्तान को तब सख्त निर्देश दिए थे कि उनके खिलाड़ियों को सुरक्षित वापस भेजा जाए। ऐसे में जैसे तैसे श्रीलंकाई प्लेयर्स को बचाकर स्टेडियम से एयरलिफ्ट कर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में ऐसा बदनाम हुआ कि वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रेक सी लग गई। हालांकि पिछले कुछ 1-2 सालों में पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी जरूर हुई है, लेकिन साल 2009 की इस घटना का असर यह हुआ है कि जो भी टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है उसमें टीम के दिग्गज खिलाड़ी अपना नाम वापस ले रहे हैं। जब श्रीलंका टीम ने दोबारा पाकिस्तान का दौरा किया तब उसके सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया था। इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।